भगवान श्रीमन्नारायण से हमारी वंश परंपरा और गुरु परंपरा प्रारंभ होती है। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग दसवें स्थान पर सिद्ध होते हैं। श्रीमन्नारायण की दृष्टि से विचार करें तो 1,97,29,49,120 वर्षों की हमारी परंपरा है। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग की दृष्टि से विचार करें तो 2,503 वर्षों की हमारी प्रशस्त परंपरा है। पूरी पीठ के हम 145वें मान्य शंकराचार्य हैं। हमको परंपरा से यह प्रशिक्षण प्राप्त है कि देश काल परिस्थिति को देखते हुए धर्म का निर्णय लेना चाहिए। और मैं एक संकेत करना चाहता हूँ कि लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक के वशीभूत होकर हम एक वाक्य भी नहीं बोलते हैं। किन्हीं आस्तिक महान भाव की यह भावना हो सकती है कि अगर इस विभीषिका की दशा में रथ यात्रा की स्वीकृति दी जाए तो श्री जगन्नाथ जी उन्हें क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन प्रशस्त परंपरा का विलोप होने पर क्या क्षमा कर देंगे जगन्नाथ जी? इस पर भी विचार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्राप्त विभीषिका को देखते हुए और शास्त्र सम्मत प्राचीन प्रथा को देखते हुए निर्णय की आवश्यकता थी। मैं एक संकेत कर देना चाहता हूँ कि भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव प्रामाणिक रीति से जब हुआ तब विश्व में कोई क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, पारसी तंत्र आदि नहीं था। 1/4 विश्व एक शंकराचार्य के अधिकार क्षेत्र में आता था। आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर तो पूरी पीठ के शंकराचार्य के ही साक्षात क्षेत्र में है। धार्मिक और आध्यात्मिक विषय के न्यायाधीश तो हम लोग माने ही जाते हैं परंपरा से और मान उच्चतम न्यायालय के अनुसार भी। ऐसी स्थिति में न्यायालय का भी यह दायित्व होता है कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हम लोगों से परामर्श ही नहीं मार्गदर्शन लिया जाए। मैंने जो संकेत किया था मान उच्चतम न्यायालय ने जो शुद्ध भावना का परिचय देकर प्राप्त विभीषिका से बचने के लिए निर्णय लिया है उसमें भावना पर आक्षेप नहीं करता, लेकिन सूझबूझ तो पर्याप्त तो नहीं है। इसलिए कोई व्यक्तित्व का प्रश्न उठा करके विवेक का समाधान करते हुए मान्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो मेरे लाडले प्यारे हैं उन्हें मैं एक अनुरोध करता हूँ कि वे प्रशस्त ढंग से निर्णय प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करें। नारायण नारायण।